हेलो एवरीवन, व्हाट्सएप, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एके अपने यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। ग्राम पंचायत कुसमा, विकासखंड चतरा, जनपद सोनभद्र। तो जैसा कि आप फ्रेंड देख रहे हैं, भीड़ लगा हुआ है, काफ़ी क्राउड है। और आइए देखते हैं और जानते हैं यहाँ पे जो भीड़ लगी है, गाँव की जो समस्याएँ हैं उनका समाधान करने के लिए, समाधान को सुनने के लिए और समस्याओं को सुनने के लिए, समाधान करने के लिए विकासखंड चतरा से ब्लॉक से अपने अधिकारी आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो ग्राम निवासी स्थानीय लोग हैं उनकी जो समस्याएं, किस प्रकार की समस्याएं हैं और किस प्रकार की समस्याओं का सलूशन यहाँ पे ब्लॉक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं, कुछ बातें करते हैं कि यहाँ पे जो क्राउड है स्थानीय लोगों का ग्राम पंचायत कुसमा से, तो जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो किस प्रकार की समस्याओं का सलूशन किया जा रहा है, किया जा रहा है, तो आइए अधिकारी से बात करते हैं। प्रस्ताव मिला, जैसा कि आप देख रहे हैं फिर अधिकारी लोग बैठे हुए हैं और ये चतरा ब्लॉक के अधिकारी लोग हैं और हमारे कुसमा ग्राम में, ग्राम कुसमा में टैंक लगा हुआ है। तो आइए जानते हैं और कुछ बातें करते हैं, किस प्रकार का प्रॉब्लम है स्थानीय लोगों का गांव के और किस प्रकार की समस्या का सलूशन दिया जा रहा है। तो सर क्या नाम है? राजेश कुमार। सर हम लोग जान सकते हैं सर पोस्ट क्या है? ब्लॉक पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी। तो सर ये जो अभी जैसे भीड़ लगी हुई है हमारे कुसमा गांव में, तो यहाँ पे सर जो स्थानीय लोग हैं उनको किस प्रकार की कहते हैं समस्याओं का सलूशन आप लोग के माध्यम से दिया जा रहा है, किस प्रकार की समस्याओं का निदान किया जा रहा है आप लोग के माध्यम से? हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जी, कि जो हमारा जो भौगोलिक स्थिति है हमारे जनपद की, कहीं ऊँचा है तो कहीं लो है, बहुत बड़े दिक्कत ना हो, इसलिए उनके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्राम समाधान दिवस किया गया, उसका स्थान निश्चित किया गया ग्राम सचिवालय में। ग्राम स्तर की समस्त समस्याओं का सारे अधिकारी उपस्थित होकर का उनका निदान करेंगे। जो ग्राम स्तर पर नहीं हो पाएगा उसका सीधा जो है हम जनपद स्तर प्रेषित कर देंगे, वहाँ जो सक्षम अधिकारी हैं उसको जो है सोल्यूशन देंगे। कॉमन कौन सी परेशानी आपको सुनने को मिला ग्रामीण निवासियों से? गांव पंचायत है तो समस्याएं भी हैं, समस्याओं का हल भी है। तो जैसे समस्याएं आई, किसी को राशन से संबंधित है, राशन में हमारा नाम छूट गया है, हमारा नाम चढ़ा दीजिए, तो उनको बताया गया कि आप जन की तौर पर या तो हमारे पंचायत सहायक से मिलकर के आप अपना नाम दर्ज कराइए, आइए हम वहाँ दस्तखत कर देंगे, कोटेदार साहब हमको देकर के आगे बढ़ाकर आपको राशन मिल जाए। जी ओके, थैंक यू सर। के प्रधान जी से बात करते हैं और जानते हैं समस्याएं क्या क्या है अभी तक सुनने को मिली ग्रामीण लोगों से। सर क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र नाम है हमारा। राजेंद्र, तो अभी सर प्रेजेंट में आप यहाँ का कार्यभार देख रहे हैं प्रधान स्तर पे। अच्छा सर, तो अभी तक जो भीड़ लगी हुई है जिस हिसाब से, तो अभी क्या प्रॉब्लम समझ में आया आपको, क्या दिखा अधिक प्रॉब्लम, क्या समस्या है? कई प्रकार की समस्याएं आई है, जैसे कि किसान पेंशन से संबंधित आई है और राशन कार्ड से संबंधित आई है, सिंचाई से संबंधित आई है, बिजली से संबंधित आई है, ये सब समस्याएं हैं जिसके लिए लोग आवेदन पत्र दे रहे हैं, जिससे गांव पंचायत हो रहा है, नहीं तो ऊपर जिले स्तर पर। अच्छा सर, मैं ये अभी तक एक कॉमन समस्या भी मैंने देखा इस गांव में, जैसे कि बिजली को लेके है काफी ज्यादा, जैसे कि बिजली काट दिया जा रहा है, तो सर उस पे क्या है सर? और समस्या जैसे हमारे गांव में पावर हाउस, जिससे भी सुनने में आ रहा है कि कुछ पावर हाउस भी है, तो सर एक मिनट सर, पावर हाउस है तो पावर हाउस होने के बाद भी अगर बिजली अगर अच्छे से नहीं मिल पा रही है तो सर ये तो निंदनीय है सर अपने गांव के लिए, गांव में ये सुविधा फिर कोई मतलब नहीं रखता है पावर हाउस बनने का। ऐसा तो इस सुविधा के लिए हम बिजली विभाग के जी से बात किए जी, लेकिन गांव के लिए अलग से कोई सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। सुविधा के लिए तो उसे हम खुद ही मांग किए थे कि हमारे गांव में पावर हाउस है, गांव के लिए अच्छी बिजली मिले, सब चीज मिले, तो यहां से अलग से कोई व्यवस्था देने के लिए बिजली विभाग तैयार नहीं है। चलिए सर, वर्क इज प्रोग्रेस है, काम इस पे किया जा रहा है। ओके, थैंक यू सर। फ्रेंड्स आइए हम लोग नोडल अधिकारी से मिलते हैं और बातें करते हैं। तो मैम नाम क्या हुआ आपका? मैम अभी आपके ब्लॉक स्तर से क्या कुछ सुविधाएं हैं अभी हमारे किसान भाइयों के लिए या ग्रामीण लोगों के लिए? वहाँ घर समस्याएं आ रही है, घर यही ज्यादातर आ रही है, सड़क यहाँ ना चेक हो रही
जी यहाँ का है पेंशन से ग्राम सम्मानित निधि है घर है समस्याएं हम लोग जो यहीं पे लोकल स्तर पे जो हो पा रही है वो हमें इतनी सारी मिल रहे और जो नहीं हो पा रही है जी ओके ठीक थैंक यू मैम तो कागज वही देखा जब घरे फोटो कॉपी मंगली है कोटेदार कोटेदार जी से तो कोटेदार और उचित दर विक्रेता तो आइए बात करते हैं सर क्या नाम है सर आपका दीपक कुमार अच्छा सर जैसे कि अभी आपने राशन वगैरह वितरण है तो सभी गवर्नमेंट से क्या सुविधाएं आ रही हैं और जैसे कि और स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं उनको क्या समस्याएं आ रही हैं आप थोड़ा जरा बताएंगे हमारे यूट्यूब चैनल को और यूट्यूब फैमिली को समस्या वही जैसे राशन कार्ड बनाना जुड़ना जी जिसका कट गया है जुड़वाना ऐसा चल रहा है और विभाग जैसे जैसे मतलब हम लोग को राशन देता है जैसे अभी अगले दो तीन महीने दो महीने पहले हम लोग चना रिफाइन नमक राशन के साथ बांटते हैं मतलब जैसे जैसे सरकार का सुविधा हम लोग को मिलता है वैसे वैसे हम लोग जनता के बीच में अच्छा जैसे सर अभी जैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से काफी अच्छी योजना चलाई गई थी राशन वितरण के लिए जैसे फ्री का कुछ सिस्टम था क्या था उसमें सर तो फ्री में वो मोदी जी का केवल इसमें चावल मिल रहा है जी प्रति यूनिट 5 kg अच्छा सर और आप लोग को जैसे सर जैसे आप लोग कड़ी मेहनत करते हैं तो सर आप लोग का जो पेमेंट वगैरह है टाइम से आ जाता है कमीशन मिलता है वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है अच्छा हाँ अच्छा अच्छा तो सर क्या इस पे आप लोगों ने कुछ बात अधिकारी पे रखा हुआ है जो संगठन के लोग हैं वो लोग सरकार से बातचीत कर रहे हैं अच्छा थैंक यू सर आइए मिलते हैं अपने ग्राम के रामलीला कमेटी के अध्यक्ष से और बातें करते हैं कुछ जानते हैं तो सर नाम क्या हुआ आपका के एन त्रिपाठी अच्छा सर बोलेंगे तो सर उसमें स्थानीय लोगों के लिए उसमें जो भी प्रॉब्लम आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा यही सहयोग से हमारे यहाँ नीलम अध्यक्ष हैं और हमारे डायरेक्टर हैं कमेटी है वही गांव के चंदा से सभा में जो आसमान मान दिवस लगा हुआ है उसमें काफी लोगों की समस्या है जैसे राशन की समस्या है सुनील की समस्या है पानी की समस्या है सिंचाई की समस्या है बिजली की समस्या है सबका निदान किया जा रहा है जो अपने स्तर का है यहाँ सचिवालय में यहाँ निदान हो रहा है जो इनके स्तर का नहीं हो जिले में प्रेस करेंगे जिले स्तर से होगा ये समस्या चल रही है थैंक यू सर वो जो कटिंग है सर कम से कम 22 साल से कटिंग हमेशा होता है जब भी हल्ला होता है निवासी लोग बैठे हुए आइए उनसे जानते हैं उनसे बातें करते हैं कि जो ये कैंप लगाया गया है तो कैंप के माध्यम से आप लोगों को लाभ मिल पा रहा है और समस्याओं का सुलझन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आइए जानते हैं बातें करें लोगों से और जानते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं और समस्याओं का सुलझन को कैंप के माध्यम से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है तो बाबा क्या नाम हुआ आपका राम दुलारे तो अभी आप जो बैठे हैं तो आपकी क्या समस्या है आपकी क्या परेशानी है हमारी परेशानी तो यह है कि नहर का पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है और सिंचाई जो है कि हमारे यहाँ नहीं हो रही है एक हफ्ता नहर खुले हो गया पर अभी तक आपको नहर का पानी पहुँचा नहीं आपके घर में नहीं पहुँचा तो इसी को समस्या को लेके आप आए हुए हमको नहर का पानी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल तो आपने क्या बात किया अधिकारियों से नहीं तो आपको एप्लीकेशन दिए है ठीक आइए बात करते हैं भैया से क्या नाम हो भैया आपका मैं कृष्ण कुमार पांडे बोल रहा हूँ कुछ मास से तो अभी आप यहाँ पे आए हुए तो आपकी क्या समस्या है और मैं आपके आप अधिकारियों के सामने अपनी क्या समस्या रखा है जी मेरा समस्या यह है कि ग्राम सभा कुसमा में पावर हाउस है बिजली का बिजली बिल लोग रीडिंग से निकाल रहे हैं मनमानी अपने मन का मनमानी निकाल रहे हैं अभी मैं तो मनमानी रीडिंग निकाल रहे हैं मनमानी बिल भी बना रहे होंगे बिल भी मनमानी बना रहे हैं अच्छा
यही हमारी समस्या। तो आपने बात रखा अधिकारी के सामने? नहीं अभी तो हमने नहीं। तो सर अभी रखिए बात, अपनी बात रखिए। ठीक है, बात रखिए। ठीक, ओके, थैंक यू सर। आइए बात करते हैं सर से। सर क्या नाम हुआ आपका? योगेंद्रनाथ त्रिपाठी। योगेंद्रनाथ त्रिपाठी। अच्छा सर, अभी जो समस्या चल रही है, समस्या का कैंप लगा हुआ है ग्राम समाधान दिवस, तो उसमें सर क्या समस्या है ग्रामीण लोगों की और आपकी? वहाँ की समस्या के समाधान यह है कि जो समाधान है CST द्वारा आना को परेशानी है, और क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको भी बहुत काफ़ी परेशानी है, तो उसी को आप लोग लेके आए हुए सुन रहे हैं लोग अपना कर रहे हैं। बता जा सबसे खतरनाक चीज कैसी है जहाँ बरसात में आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि लोग बाहर जाने के बाद। अच्छा, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रामीण निवासी महिलाओं से और उनके जीवन में और उनके समस्या, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, जो भी गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी सुविधाएं चल रही है, स्कीम आई हुई है, तो उनको लेके क्या समस्याएं हैं इनकी? तो क्या नाम हुआ? चंद्रावती। तो अभी आपको क्या समस्याएं हैं? मनरेगा का? हाँ, मनरेगा का काम करता, जब हम नहीं अभी पैसा वैसा मिला था, नहर में पानी वानी अगते नहीं, धान पानी सुखा था, सब गरीबी में हम अपने परेशान पाई, कोई अधिकारी कोई सुनता ही नहीं, तो हमारे बदे अब का करी जा, हमने यही ठीना अपन लगल भाई जा, साहब आल वहाँ अधिकारी साहब नहीं के आल भाई जाए, नहीं कि अपन अपन समस्या देखे जाए, अब देखा अब हमारे को सुनवाई होला कि नहीं होला। ठीक, अच्छा, जैसा कि आवास वगैरह को लेके है, तो आवास लोग की आवास वास का क्या आप लोगों को स्कीम का कुछ उसका लाभ मिला आप लोग को? आवास सर अभी हम उनके मिलबे नहीं को, न प्रधान नहीं सुनाता, न सेक्रेटरी नहीं सुनाता, कोई नहीं सुनाता, तो कैसे आवास हमका हाथ ले जा। अच्छा भाई, मराई डराई बनवले भाई जा, वही में रहत आई जा, वही में चुआता चावता, एक लगे गाय भाई बकरी भाई हमहू भाई, अब का करी जा, वही में भाई जितावता है। गाय बकरी आदमी मनुष्य एक साथ जीवन व्यापन कर रहा है, एक साथ सो रहा है। क्या नाम हुआ दादी आपका? तो आप जो आई हैं, क्या समस्या लेके आई हैं? समस्या का बा है, कहना तो आई है बार पाक गोयल जंगल है, नहाने ये पैसे कमाई खाई जा, हम एक तुलसी मिले तो लगभग नहाने मिला, तो एक बीघा गड़े भाई पानी बिना सुखात भाई। और पेंशन का महीने से नहीं मिला? पेंशन का महीने से नहीं मिला आपको? 10 महीना हो गया। 10 महीना हो गया पेंशन नहीं मिला? नहीं। ओके, काबा हो खेते में धान गड़ा लग गया, वो मरता है, वो लाइन काट दे अपन पेड़ दिया है जा के बिल भरी जा, अब वो लाइन काट दे हर तो भाई जा कैसे का करिया। कितने का बिल आया? कितने का बिल आया आपको? बिल हवा 15। 15,000 का? 15,000 का। जैसा कि फ्रेंड्स आप अभी देख रहे हैं कि जो अपना जीवन यापन एक पेंशन से कर रहा है, पेंशन के सहारे से कर रहा है, तो वो 15,000 रुपए का बिल कहाँ से भरेगा? तो ये भी सोचने वाली बात है और इस पे गौर करने वाली बातें हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हम लोगों ने बात किया ग्रामीण लोगों से, और ग्रामीण के जो निवासी हैं उनके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रॉब्लम आ रही है, तो उस अपनी अपनी समस्याओं को लेके आई हुई हैं विकासखंड चतरा अधिकारियों के पास, ब्लॉक अधिकारियों के पास। तो एक उम्मीद है उनसे, काफ़ी उम्मीद जुड़ी हुई है कि यहाँ पे आने के बाद शायद एक सहारा मिलेगा और मेरी समस्याओं का सोल्यूशन को सुना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।